बचपन की समस्या दिन और दिन बढ़ती जा रही है, जिसके कई कारण हो सकते हैं और इसका सही वक्त पर उपचार करा लिया जाए तो इसका इलाज भी संभव है। बचपन की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है, इसके पीछे कई सारे कारण हैं। लाइफस्टाइल का चेंज होना और केमिकल युक्त खान पान, इन सब के चलते बचपन की समस्याएं महिलाओं में बढ़ रही हैं, पुरुषों में भी खान पान के चलते तमाम सारी कमियां आ रही हैं। ये आप सभी दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल जो है उसके साथ कई सारे मिथ्स हैं जो कि गलत इन्फॉर्मेशन लोगों को होती है। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल सबसे पहले 1960 में US में निजात की गई, एक गर्भ निरोधक की तरह बहुत ही इफ़ेक्टिव टूल है और ये 4 जनरेशन्स में आ चुकी हैं। 1970 में सेकेंड जनरेशन आई, 1980 और 90 के दशक में थर्ड, और अब 2000 के बाद फोर्थ जनरेशन। तो ये बिल्कुल ही सेफ़ और इफ़ेक्टिव मीन्स ऑफ कॉन्ट्रसेप्शन है और ये एक रिवर्सिबल तरीका है कॉन्ट्रसेप्शन का। तो ये मिथ जो है कि इससे बांझपन हो जाता है, बिल्कुल ही गलत है। सिर्फ टेम्परेरीली जब तक आप ये दवा लेते हैं तब तक प्रेगनेंसी नहीं होती, जैसे ही आप इस दवा को छोड़ेंगे तो प्रेगनेंसी 1 या 2 महीने बाद आप ट्राई कर सकते हैं। रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर अजय बुलागन ने बताया कि बांझपन की समस्या को देखते हुए रेडियोलॉजिस्ट में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से पुरुष और महिला बांझपन की जांच करा सकते हैं। समस्या का सही समय पर इलाज हो जाए तो इस समस्या से निजात पाया जा सकता है। गायनेकोलॉजिस्ट या उसके रिप्रोडक्टिव मेडिसिन के डॉक्टर से कंसल्ट करता है, उसके बाद जो विभिन्न जाँचें लगती हैं उसमें जैसे बेसिक जाँच जो HSG की होती है जो कि एक्सरे के द्वारा दवाई डाल के की जाती है, इसके अतिरिक्त जो और जो जांचें होती है अल्ट्रासाउंड में फॉलिकुलर मॉनिटरिंग से ये पता लगाता जाता है कि फॉलिकल कैसे डेवलप हो रहा है और उसके लिए मरीज को अपने माहवार के तिथि के अनुसार 8वें या 10वें दिन आना पड़ता है और उसका फॉलिकल कब डेवलप होके कब उसका रप्चर हो रहा है ये अल्ट्रासाउंड के द्वारा पता लगाया जा सकता है। और इसके अतिरिक्त MRI द्वारा विभिन्न गर्भाशय के जो विभिन्न जन्मजात विकृतियां हैं अगर वो हैं तो वो बताई जा सकती है, जिससे कि वो उसका प्रॉपर उसका मैनेजमेंट हो सके, इलाज हो सके। रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर नुपुर कौशिक का कहना था कि बचपन की समस्या को देखते हुए हम कई तरह की जांच करते हैं, इसी रोग विशेषज्ञ को सही रिपोर्ट देकर इलाज करने का प्रयास कराते हैं। पुरुष बांझपन में अल्ट्रासाउंड का रोल जो होता है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम ये समझ सकते हैं कि टेस्टिस जो बहुत जिसके थ्रू सारे स्पर्म्स वगैरह बनते हैं उसका साइज़ क्या है, उसमें कितनी वेस्कुलैरिटी है, ये हम अल्ट्रासाउंड और डॉपलर दोनों से पता लगा सकते हैं। उसमें कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, किसी तरीके की कोई पानी तो नहीं भरा हुआ है, ये भी अल्ट्रासाउंड से आसानी से पता लगाया जा सकता है। इसके अलावा अल्ट्रासाउंड एक ट्रस्ट करके मोडालिटी एक अल्ट्रासाउंड है जिसको हम ट्रांसरेक्टल अल्ट्रासोनोग्राफी कहते हैं, उसके थ्रू हम बहुत आसानी से प्रोस्टेट का साइज़, सेमेनल वेसाइकल्स का साइज़ और जो दोनों स्पर्मेटिक कॉर्ड्स होती हैं उनको देख सकते हैं। इजैकुलेटरी डक्ट में कोई ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है, कोई सिस्ट तो नहीं है, कोई कैल्सिफिकेशन तो नहीं है, किसी तरीके का कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के माध्यम से बचपन की समस्या का समाधान होता जा रहा है, साथ ही बचपन के शिकार लोगों को सही इलाज मिल सके और उनके घरों में बच्चों की किलकारियां गूंज सके, यही कोशिश की जा रही है। लक्ष्मीराज, सी न्यूज़, आगरा।